अंकिता की मौत पर पुलिस कस्टडी में हंसता दिखा शाहरुख। शाहरुख की इस हंसी के पीछे आखिर क्या है वजह? शाहरुख का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लोगों ने इस जल्लाद को फांसी पर चढ़ाने की मांग। झारखंड के दुमका में जिंदा जलाई गई अंकिता सिंह की मौत हो गई है। 5 दिन से वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। आरोप है कि शाहरुख नाम के युवक ने उसे जिंदा जला दिया था। अंकिता पर शाहरुख ने फोन पर बात करने का दबाव बनाया था। अंकिता नहीं मानी तो उसके घर में घुसकर शाहरुख ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अंकिता को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन आखिरकार वो जिंदगी से जंग हार गए। इस बीच शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस कस्टडी के अंदर वो मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने शाहरुख की बेशर्म हंसी पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि शाहरुख की बेशर्म हंसी से साफ है कि अंकिता की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पूछताछ की जा रही है। शाहरुख वही है जिससे अंकिता बात नहीं करना चाहती थी। शाहरुख ने अंकिता का नंबर कहीं से ले लिया था, इसके बाद उसे फोन करके परेशान करता रहा। अंकिता ने शाहरुख को कई बार समझाया कि मुझे कॉल मत करो, लेकिन वो माना नहीं। नौबत धमकी तक आ गई। शाहरुख धमकी देने लगा कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकिता ने शाहरुख की इस हरकत के बारे में परिवार वालों को बताया, इससे पहले कि परिवार वाले कुछ कर पाते वारदात हो गई। बता दें कि 22 अगस्त की रात को शाहरुख ने अंकिता को फोन करके धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अंकिता ने ये बात घर वालों को बताई। घर वाले बोले कि आने दो। बात आई और गई हो गई, लेकिन 23 अगस्त की सुबह 4 बजे शाहरुख अंकिता के कमरे में खिड़की के रास्ते घुस जाता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। अंकिता की आँख खुलती है तो वो खुद को आग से घिरा पाती है। इसके बाद आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हालांकि 5 दिन के इलाज के बाद अंकिता ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर शाहरुख की हंसी के पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में शाहरुख को कोई पछतावा नहीं है? अगर नहीं तो फिर इस तरह के दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।